इनके लिए हिम्मत तो करे आने की। चलिए वेरी गुड, क्या बनाए थोड़ा सा बताइए। कौन सा नहीं मॉडल कौन सा बनाए? नोटेड प्रो का। क्या बनाए अभी? थोड़ा सा बताओ मोहसिन। नहीं इसमें नहीं समझाना है, बोर्ड पे समझाना है। नेक्स्ट ठीक है। तुम क्या बनाए अभी? सर नोटेड प्रो का ग्राफिक सेक्शन। ग्राफिक समझ में आया? बिल्कुल सर। थोड़ा सा बता दो कौन सी लाइन आती है? सर इसमें आती है आपकी ये MIPL लाइन आती है। कितने लाइन से? सर 10 दो होते हैं। ठीक है, कहाँ से आते हैं? CPU से आता है। चलो नेक्स्ट और क्या आती है? सर उसके बाद हमारी लाइन आती है वो रीसेट टीयरिंग वाली। ठीक है। और ID1 ID2 और ILT लाइन आती है। ठीक है। और सर ये सर एक जो अब जो ग्राफिक्स से आती है सर VSP VSN और VSP VSN कहाँ से आती है भाई? बोले ग्राफिक आई सी। और ये वोल्टेज कहाँ से आता है? सर ये पावर से आता है। कौन सा वोल्टेज है? 1.8। क्या नाम है? VIO नहीं रहेगा, दूसरा नाम बताओ। VREG नहीं रहेगा तो तीसरा नाम बताओ। कहाँ से आता है ये? और पावर में किस में से? समझ में आया सबको? तो यहाँ पे हमारे पास Redmi Note 8 Pro का क्या खुला है? बिल्कुल लेटेस्ट है ना वो हैंडसेट। ये पुराने कीपैड के तो नहीं बताते हैं? हाँ जो भी बताते हैं अपन कौन सा पढ़ते हैं? लेटेस्ट हैंडसेट। तो इसमें इससे पहले भी एक बताया था हमें, उसमें कुछ सप्लाई कम थी और ये लेटेस्ट वाले में क्या है? दो से तीन सप्लाई ज्यादा है। तो कंफ्यूज होंगे क्या आप लोग? अच्छा वोल्टेज कितना आता है, कब आता है, कैसे चेक करना है, सब कर लेंगे? कर लेंगे सर। बताओ भाई कर लेंगे सर। कोई डाउट तो नहीं है? तो यहाँ पे बोर्ड पे हमारे पास डायग्राम बन के है। ठीक है, तो राजा राम आप थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। यहाँ पे मेरे पास डायग्राम भी है, तो अगर आप चाहो तो डायग्राम में देख लो। कनेक्टर है यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, LCD में। ठीक है, देखो यहाँ कनेक्टर पूरा दिख रहा है अपने को, चाहे यहाँ बता दो चाहे यहाँ बता दो, एक ही बात है। सब लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बता सकते हैं सर। हाँ थोड़ा हाथ उठा के बताओ भाई, बता सकते। सबको समझ में आया ना ये? ठीक है चलो, सबसे पहले बताइए स्टार्टिंग, जैसा कि हम ग्राफिक का प्रॉब्लम आया, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? चेकिंग में कहाँ से? क्या देखेंगे सबसे पहले? वो डैमेज तो नहीं है, लूज तो नहीं है। हाँ आप भी बोलना भाई। हाँ डैमेज है या लूज कनेक्टेड है या कार्बन वगैरह है वहाँ पे, या वाटर डैमेज की तरफ से क्या हो जाती है? पिने जल जाती है। सबसे पहला काम आई स्कैन करेंगे। क्या करेंगे? आते ही सीधा CPU रिवॉल्व मारेंगे क्या? नहीं, एक एक लाइन को देखेंगे। CPU रिवॉल्व करने के बाद भी नहीं हुआ तो फिर आप तो फंस जाओगे। तो वहाँ पे एक एक सप्लाई एक एक लाइन को अपने को क्या करना है? चेक करना है। लेकिन कौन सी लाइन कब चेक करना है, कितना वोल्टेज आता है, वो कहाँ पता चलेगा? कनेक्टर के पास। और कहाँ सीखना पड़ेगा आपको? स्कीमेटिक की क्लास में बैठ के आप सीखोगे तो ये सब समझ में आ रहा है ना आपको? पहले आता था क्या इस तरह से? बताओ भाई वोल्टेज कब आ रहा है, कितना आ रहा है, सिग्नल लाइन कहाँ है, कहाँ से आती है, उस पर कितना वोल्टेज आता है, उस पर कितना वैल्यू आता है, ये सब चीज आपको कहाँ सीखने मिल रहा है? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अभी कोई सेट रिटर्न जाएगा क्या आपसे? बताओ भाई नहीं जाएगा ना, पहले जाते थे ना आपसे रिटर्न। ठीक है चलो बताइए भाई। सर ये डिस्प्ले कनेक्टर है, कितने पिन का है वहाँ देख लो? 40 पिन का। 40 पिन का, कितने पिन का है? ठीक है सर, यहाँ पे छोटे छोटे कॉइल लगे हुए हैं, डुअल कॉइल्स। डुअल कॉइल्स डिस्प्ले कनेक्टर के नहीं मिलेंगे, या तो कहाँ मिलेंगे? इससे पहले देखिए अपन ग्राफिक आईसी के बाजू में या फिर CPU के बाजू में, क्योंकि अगर डिस्प्ले कनेक्टर के बाजू में नहीं रहे तो हम नहीं है समझेंगे क्या? पहले वहीं पे आते थे, लेकिन अभी लेटेस्ट में क्या हो गया है, जगह बदल के हमको कंफ्यूज करने वो कहीं और पे रख दिया हो, तो हम देखे ना अभी कहाँ पे है। ठीक है चलिए सर, तो ये जितने भी कॉइल है इनकी पूरी सप्लाई डिस्प्ले कनेक्टर से होके CPU में जाती है। सप्लाई का नाम बताइए। MIPI क्या है? MIPI लाइन ठीक है। चलिए कितने लाइन है? 10 लाइन। चलिए नेक्स्ट बताइए। सप्लाई इधर है, अपने को डिटेल नहीं बताना है, अब नेक्स्ट बताइए बस। अच्छा, और ये VSN और VSP लाइन है, प्लस और माइनस वोल्ट वाली। कितना वोल्टेज आता है? 5 वोल्ट। कहाँ से आता है? प्लस 5 माइनस 5 ग्राफिक आईसी से आता है। वेरी गुड, इनके लिए क्लैप्स एक बार। चलिए अगर VSP VSN नहीं रहता, दूसरा नाम बताओ।
सर वो डिस्प्ले प्लस डिस्प्ले पॉजिटिव डिस्प्ले नेगेटिव, समझ में आ रहा ना भाई? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? दूसरे डायग्राम में नाम बदल देता हूँ, नहीं होंगे? चलिए वेरी गुड। एक और लाइन आती है, हाँ वीआईओ लाइन, वो आती है पावर से। कहाँ से आ रही है? सबको पता है ये कितना वोल्टेज आता है, मालूम है? मालूम है ना सबको? चलिए नेक्स्ट। उसके बाद सर यहाँ पे एक दो तीन चार पांच लाइन है, उसमें से एक है रिसेट लाइन, ठीक है, उस पे भी 1.8 वोल्ट है, ठीक है। दूसरी है आईएनटी लाइन, उस पे भी 1.8 वोल्ट है, ठीक है। कहाँ से आ रही है लाइन ये बताइए? ये सीपीयू से आ रही है। सीपीयू से आ रहे हैं, अच्छा। ये तो वोल्टेज वगैरह तो रहने दीजिए, इतना तो बताना नहीं है अपने को। ये बता दो रीसेट लाइन में प्रॉब्लम आए तो क्या होगा, पता है? खाली यस सर नो में बताओ, देखे ना? अच्छा, अगर टी लाइन में क्या प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या प्रॉब्लम आता है, देखे? सबको इमेज भी दिया मैं आपको, मतलब एक एक लाइन में क्या प्रॉब्लम आ जाती है, ये सब समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ बता दिया आप, ठीक है। कहाँ से आ रहे लाइन ये बता दो। सीपीयू से आ रहे, अच्छा। सीपीयू में से आ रहे, खाली बोल रहे कि अंदर कौन से बॉल से आ रहा वो भी देखे अपन, ये बताओ। सिग्मेटिक डायग्राम पे देखे कौन से बॉल से, कहाँ से देखे ना अपन, कौन से बॉल से लाइन निकल रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीपीयू रिवॉल्व कर देते हैं। इसका आंसर मत देना मेरे को, खाली यस और नो में बताना आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सीपीयू रिवॉल्व कर दिए, इसके बाद भी ट्रैके ओपन आ रही है, समझ में आ रहा है? सप्लाई जीआर नहीं आ रहा तो आप लोग बना सकते हैं वो चीज को? नहीं सर, रिवॉल्व कर दिए सीपीयू बोलते हैं बहुत सारे बच्चे। रिवॉल्व करने के बाद क्या करना है उसका पता है आपको? हाँ, क्या करना है पता है कि नहीं पता है? कौन कौन बना ले सकते हैं रिवॉल्व करने के बाद भी, अगर से वैल्यू नहीं आ रहा, वोल्टेज नहीं आ रहा, सब बना सकते हैं? देखे ना, तरीका बताया आपको, कहाँ सीखे भाई? अच्छा, ये वीडियो बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, उनको कुछ बोलना चाहते हैं आप? सर एकदम डन है यहाँ पर, और पूरा का पूरा नॉलेज एकदम डीप में दे रहे हैं, विद वोल्टेज विद सिग्नल्स, और पूरी की पूरी लाइन कैसे चेक करनी है। हाँ, और जहाँ तक के कोई प्रॉब्लम आया तो मेन सीपीयू से लेकर डिस्प्ले कनेक्टर तक पूरा का पूरा लाइन यहाँ पे समझाया। आईसी के अंदर एक एक बॉल तक बता रहे ना भाई आपको, बॉल के अंदर एक एक क्या सप्लाई आ रही क्या है सब बता रहे आपको। तो आप समीर जी न्यू गैजेट नगरी चैनल, उनको कुछ बोलना चाहेंगे? सर आपने मुझे एकदम अच्छा रिकमेंड किया, एकदम जबरदस्त है यहाँ पर फिरोज सर, पूरा एकदम बढ़िया समझा रहे हैं। ओके, और हैंड स्किल में कैसा सिखा रहे हैं? एकदम बढ़िया है सर, पहले दिन से ही हमें सीपीयू की प्रैक्टिस दे दी है, और पहले दिन ही हमने सब सीपीयू बिठा भी लिए, सेकंड डे ऑन हैंडसेट दिए, उसके ऊपर भी सीपीयू बिठा के ऑन भी दिए, और अभी ब्लैक पेस्टेड वगैरह चालू है। क्या क्या कर लिया अभी तक आप हैंड स्किल में? हैंड स्किल में सीपीयू रिवॉल्विंग, एमएमसी, पावर वगैरह सब रिवॉल्विंग कर लिया। ब्लैक पेस्टेड आसान से खुल जा रहा है? हाँ, खुल रहा है अभी। क्लीनिंग भी हो जा रहा है? क्लीनिंग भी हो रही है। अच्छा, आप अकेले करें कि ये जितने सब बैठे सब करें? सब करें कि नहीं करें? ठीक है, समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं आपको? ठीक है, चलिए एक बार इनके लिए जोरदार क्लैप कर दीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।